ओळी आवी रही थी याने आज मेरे भाइयों के बीच में, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के बीच में और इधर मेरी माताएं बहनें, सबके मन में एक आस थी कि हम इस बार दिवाली नहीं मनाव जिए और दिवाली थे कि ज्यादा जी वोटिंग था जी थी 25 तारीख तीन दाड़े त्योहार मनाव दे तो और दिवाली में बड़ा कवि परिणाम आप जो तीन दाड़े सूट जीते तो मेरे भी मन में था कि जो रात दिन अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, घर बार के लिए, अपना पेट पालने के लिए परिवार से दूर अहमदाबाद में जाके मजदूरी करते हैं, उन भाइयों के बीच में जाके सबसे पहले सम्मान समारोह मनाएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये मैंने सोच रखा था। और आज आपके बीच में पहला सम्मान समारोह हमारा हो रहा है और इसके बाद हम विधानसभा और अन्य जगह का कार्यक्रम करेंगे। मैं यहां पर आके आश्वासन दिया था आपको कि हम वोट मांगने नहीं आए, उस समय कहा था मैंने, हम उस कार्य को लेकर चल रहे हैं जो पूर्व में हमारे सरपंच साहब ने जो भजन गाजू आना भजन में कहजू तो कि बाप दादा ने लड़ाई है, इन लड़वी है, पूरी करवी है और आना विचारधारा ना आधार थे कि आपने मोरी बड़ी ले जा हमारे को बल्ले आपा वाली पीढ़ी बल्ले आ विचारधारा काम कर रही चाहिए। तो अमर जी भाई रात दाड़ो ने मजदूरी कर रहे थे, कोने कड़जा काम करे, कोने ड्राइविंग करे, कोने गेयर गाड़ी नो काम करे, कोने दुकान में होटल में काम करे, परिवार सुड़ी ने हगा वाला सुड़ी ने आज गुजरात में अमर भाई मजदूरी कर रहे जाए और कीवी तकलीफ पड़े, कटली कठिनाई आवे ये आप सब जानो और मो भी जानो। मुझे आज दुख भी है कि हमारे समाज के अधिकतर लोग संख्या बढ़ती जा रही है मजदूरी की ओर, हम खेती की ओर और नौकरी की ओर नहीं जा पा रहे और आज सरकार है जमीने हड़प्पानो नौकरियां छीनवानो काम कर रही थी और हमारा पढ़ा लिखा भाई गुजरात में अभी मजदूरी कड़े कड़जा काम कर रही, तकलीफ है और खुशी इस बात की है किसी मजदूर वर्ग तक है तमें सभ्य समाणी अमन विधायक बनाव जा, ये सबसे की मोटी बात है। आणि विचारधारा हाथी अमर हाथी मोटा मोटा सीट या पैसे वाला नहीं, तमार सेवा मजदूर वर्ग वाला आदमी समार हाथी और आप लोगों की ताकत ही हमें और मजबूत बढ़ाती है। आपके अंदर एक आशा है कि ये विचारधारा, ये विधायक सब मिलके कुछ अच्छा करेंगे और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं मेरे दोनों साथियों और अन्य साथियों की तरफ से, समय जरूर लगेगा लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि जे नारो लगाड़ा जय जोहार ने, जय जोहार का नारा है भारत देश हमारा है, ये सार्थक जरूर करेंगे। हमें देश का मूल मालिक था अदू आदना धनीम के तमार डुहा और आज हमार स्थिति खराब है लेकिन यही एकता रही आने वाले समय में। आप जरूर मजदूर हो लेकिन आपका बेटा आपकी बेटी अधिकारी बने, कर्मचारी बने और अच्छा बिजनेसमैन बने, ऐसा काम करेंगे अपन लोग और आप सबको भी यही ठानना है। आज ये कार्यक्रम रख चुके वो आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा एक ही है कि हम हमारा जीवन तो निकाल देंगे
लेकिन आने वाली पीढ़ी का जीवन कैसा होगा? आबा वाला सोरन स्थिति हो थाएगा आना माते काम कर जा अपने तो आपने एक कुछ ठान वो है मन में कि मुंह जरूर ने मजदूर कड़जा काम कर रही जो सीमेंट नी बोरी उठावो लेकिन मार सोरा ने वो काबिल बनाबो है कि मार सोरे आ काम नहीं करो पड़े ई सोची ने आपने काम करवो और ना बल्ले एक कुछ करो पड़ेगा आपने एक तो सोरान सबसे की बेस्ट शिक्षा आली पड़ेगा क्योंकि सोरान बढ़ावंगा तो कहीं कहीं भले नौकरी नहीं लागे लेकिन अच्छी कंपनियां है अच्छा व्यापार है अच्छा धंधा पानी जरूर करेगा बने लोगेगा तो तमें सब भी मड़ी ने एक काम जरूर करव है आपने मजदूरी कर रहे जाए लेकिन आपने सोरो लाइन नहीं अबोर लाइन अभी भी किया तो आने भी केन के स्कूल में मिल हुए और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम विधायकगण सरपंचगण और यह गुजरात में रहने वाले जो सामाजिक भावना रखने वाले लोग हैं हम सब मिलके आने वाले समय में एक ट्रस्ट बना के यहां पर भी एक छोटी सी स्कूल खोलने का काम करेंगे जिससे हमारे गांव का आदमी जो आ रहा है जिनके बच्चे साथ में आ रहे हैं इनके बच्चे यहां पर निशुल्क शिक्षा ग्रहण करें ये काम कोशिश करेंगे आने वाले समय में। मैं रोज फेस करता हूं दाड़े बेतरण फोर अहमदाबाद तक की आविष करा आज आ हादसो थी गयो आज पहली होटल में काम करता था सीटी कुटीर काढ़ी दी दो आज भी बिन थाजू आज पहले काढ़ी दी दो तनका नहीं आज जी रोज दो तीन फोन आवे ये बात और ये समाधान बल्ले मेरे दोनों विधायक साथियों और अन्य साथियों की मदद से आपने ये एक ऑफिस खोलूंगा वहां पर मानेड़े का अपना आदमी बहेगा और कोई भी बात वेगा अमर फोन नहीं लागे तमें ऑफिस जावानो और कोशिश करूंगा कि तुम्हारा समाधान कराड़वानो काम करूंगा। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे गुजरात के भाई हैं तरंग भाई डेविड भाई और भाई का नाम भूल रहा हूं मैं दो चार जो साथी है हमेशा आती रात को खड़े रहते हैं आपके लिए हम जब भी फोन करते हैं रात की 12 बजे भी कर कहते हैं ये समस्या है तो आपके लिए खड़े रहते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपको भी खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूं। भगवान किसी ने देखा नहीं है भगवान का आशीर्वाद आपको मिले नहीं मिले लेकिन इस जनता का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं पुण्य काम का काम कर रहे हो आज की दुआएं आपको लगेगी ये दुआ करेंगे कि आप और आपकी पीढ़ी उज्जवल हो आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ करो आप लोग। आज देश दुनिया में हो क्या रहा है मैं इस बात पे नहीं जाना चाहूंगा लेकिन जरूरी भी है ये बात करना। कहते हैं कि जो व्यक्ति और जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है अपने इतिहास को नहीं समझता है वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति खुद को इतिहास नहीं जाने वर्तमान परिस्थिति नहीं हमसेगा तो भविष्य निर्माण नहीं कर सके। इसलिए हमें हमारा इतिहास समझना है हम कौन थे क्या हो गए आज और यही स्थिति रही आने वाले समय में हमारी पीढ़िया किधर जाएगी। हम मजदूर जरूर हैं हम मजदूरी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सम्मान के साथ मजदूरी करेंगे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे ये ठानना है हमको। हम मजदूरी करेंगे लेकिन हमारा स्वाभिमान है और मैंने देखा है ये एक बार हमारे संचालक महोदय कहता है अन्य वाला जोरे आले वोटे जोरे आले पैसा है जोरे आले क्योंकि स्वाभिमानी आदमी है लेकिन अपने आना स्वाभिमान नो दुरुपयोग थाई जाए अपने लुटाई जाए वो काम ही नहीं करवो। आप सबको ठानना है कि हम जो रात दिन 10 मरले 8 मरले मते वांद्रा हुजून टेराइन प्लास्टर करा संतर करा और ये पैसों मजदूरी और पैसों आवी ना अपने डूंगरपुर बासवाड़ा में फर्जी सामान खरीद मर्जी आवेटला पैसा आल दे काम बंद करवो। कई जनावा आके काढ़ी जुरी ओली दिवाली कारी आवे
अहमदाबाद वाला अभी जोरे पैसा लेना है कड़क ने कड़क है। हमारे ठेकेदार साहब भी अन्य बिल्डर कड़क ने कड़क आले दिया कड़क ने कड़क तफड़ डाले और अपने कड़क ने कड़क पेला गेरवाड़े फोन करी कटले का वो हो वहां पेला आदमी बाबड़ा ने डूंगरपुर उतरवा इन दिन डूंगरपुर जाए बेरी जी सीधा वाणिया ने भी सेठ ने भी और सेठ जी खुश थाई जी कड़क ने कड़क आप जी अहमदाबाद थे जी ये काम थोड़ा बंद करूंगा कम करव हो आप पैसों बेच जीतवा है लगाड़ो हो एक तो सोरा ने बनाई हुआ है और बीजो सोरा ने खावा पीवा हुआ है बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए पैसा लगाना है आपकी मेहनत का और बच्चों को हमारा देसी खाना खान पान ताकि खा के मजबूत रहे उस पे पैसा लगाना है फिजूल खर्चों पे पैसा नहीं लगाना। अगर हमको हमारे बच्चे भविष्य में अच्छा देखना है हमारा बुढ़ापा सुधारना है तो हमें ये काम करना पड़ेगा। और मैं गांवों में देख रहा हूं भी कि जिस माँ बाप ने पहले ध्यान नहीं दिया खाई पेन मस्त रह जा काम की दू पैसा हजार वापर जा सोरन ध्यान नहीं दी दू तो बुढ़ापा में बार खाटला में पड़ जाए तो सोरा मस्त ही बापो हो करे जो अन्य सूचना मारे बापो जाता रह जा तीन दाड़े आवे ये टाइट थी ना आवे ये स्थिति बन रही है हमारे समाज की। हंसने की बात नहीं है दुख की बात है। हमारा समाज स्वाभिमानी समाज था इज्जतदार समाज था दयालु समाज था परिवार में एक दूसरे का प्रेम भावना इज्जत देने वाला समाज था लेकिन वर्तमान कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई है नशे में हम ज्यादा जा रहे हैं आधुनिक दुनिया में हम ज्यादा लटक रहे हैं उसके चक्कर में हमारी सामाजिक व्यवस्था खत्म हो रही है। अटले आपने विचार करवो है कि मार बुढ़ापा भले मूंज मजदूरी करो लेकिन मार बुढ़ापा मार सोरो आने मजदूरी नहीं करे केर के डूंगरपुर में धंधो पानी करे कि नौकरी करे ये वो काम करवो आपने आज। और आप आज खुशी की बात ये है कि पढ़ा लिखा समझा नहीं समझा लेकिन मजदूरी करने वाला आदमी समझ गया है कि यही बीएपी पार्टी आदिवासी समाज का ओबीसी समाज का एससी समाज का अन्य जो मानव मात्र की अगर भावना रखने वाला व्यक्ति है मजदूर वर्ग है उसके लिए यही पार्टी लड़ेगी। आप सब समझ गए हो और आप सब दिल से साथ में हो उसके लिए धन्यवाद। पहले जुजू तो भाई चुनाव था अहमदाबाद से अहमदाबाद गाड़ी मोकलता ले जाने आप तो मैं थोड़ा थोड़ा पाई दी था पर इस बार हमारा 84 विचार हमेशा से रहा था कि मैं हमड़ लू कि अहमदाबाद थक किसी भाई अब जा कांग्रेस बीजेपी वाले कह जो कि पार्टी आलम से पहले कह जो तार कट लू क्योंकि मन हम बता मो पाऊ लेकिन वोट तो अपने राजकुमार ने सालवो है ये काम की थी। ये स्वाभिमान की लड़ाई दिखाई आपने और आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि यहां पर रहने वाले साथियों ने पूरा का पूरा मतदान किया। आपने 84 नहीं दरियाबाद प्रतापगढ़ डूंगरपुर आसपुर बागीदोरा बांसवाड़ा सभी जगह आपने जी जान से मेहनत किया और आपने मत दिया उसके लिए सबकी तरफ से मेरी ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और यही एकता कायम रखना विश्वास रखना क्योंकि इस एकता को तोड़ने के लिए कहीं बेरुपिया आएंगे तमर भड़कावेंगा लालच आलेंगा बिखरावेंगा अलग अलग संगठन बढ़ाएंगा। और संगठन की बात आई मैं कहना चाहूंगा कि कितने भी अपने यहां संगठन बने हो यहां पर जो हम काम कर रहे हैं आपके बीच में आए हैं आपके लिए आए हैं आने वाली पीढ़ी के लिए आए हैं और आपकी यह समस्या है उसका समाधान करने के लिए आए हैं हम के संगठनों में बटना नहीं है। जो भी संगठन हो सब साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयार है हम यह राजनीतिक लालच के भी लिए नहीं आए सिर्फ वोट बल्ले भी नहीं आया यहां पर हमको हमारे भाइयों पे जो समस्या आती है पीड़ा होती है तकलीफ आती है तब खड़ा रहना है उसके लिए एकता दिखानी है। अगर हमारी यूनियन बढ़ी जाएगा और हमारा कड़क मजदूर भाई हाथी अन्याय था क्यों कड़ी दिन मारपीट कड़ी दी हमारे बहन बेटे के साथ गलत था क्यों और अपने एकजुट था बेदड़ा काम बंद कर दी दू तो यहां गुजराती गाड़ा थाई जी नहीं थाई जी गाड़ी कौन सलवाई है भूली जी
आनंद गेर में साफ सफाई के कौन करेगा, भूली जाएगा ओंद्रा थाई जाएगा कई और अपलान बढ़ावेला रही जाएगा एम नेमुस। हमारे भाई इंजीनियर नहीं है लेकिन इंजीनियर करते वधार इंटेलिजेंट है और हमारे कारीगर में जुजू है, इंजीनियर ने फेल करी ना की इंजीनियर तो सोपड़ी बढ़िया है लेकिन हमारे भाई एक एक ईट बढ़िया है, हमारा भाई एक एक ईट को पढ़ रहा है, कटले हड़म में है, कटलो काट खोने हैं, के लेवल टूटी है, इंजीनियर ने फेल करे नहीं करे, हमें सोपड़ी नहीं है, डिग्री नहीं है अटलू से, पर आपने सोरा मजबूत बना पाए अब्बा वाली पीढ़ी। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ साथियों ने भी मांग रखी थी कि होली दिवाली या त्योहार माते हमारे ये जवानी समस्या था है। और मुझे दुख है इस बात का कि ये बसे वाले इतने 4 लाख लोग हैं कि तीन दाड़े भी अड़ना टिकट बढ़ा भी थी 1500 रुपया 800 रुपया 1000 रुपया 1500 रुपया करी थी। हम यूनियन बनाएंगे, यूनियन के थ्रू हमारा डेलीगेशन जाएगा और बसें जितनी जो चल रही है उनको कहेंगे कि हम ये रेट है और इसी रेट में देंगे और सब तय करके जाना है कि हम इतना रेट है इसी रेट में अगर आप ले जाते हो तो ठीक है, बाकी एक भी आदमी हमारे बस में थके नहीं जाएगा। ट्रेन है उस समय हम ट्रेन के डिब्बे या एक्स्ट्रा ट्रेन लगाने के लिए हम कोशिश करेंगे और आपको मदद करवा देंगे, आपने सब ट्रेन में भी ना भी जाओ कोई दिक्कत नहीं। हमारे कई क्रूजर ही जरूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर मुगली देगा कई दिक्कत नहीं, ट्रक मुगली देगा कई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बस वाला लूटे करी थाएगा गणित तभी एकजुट होगा तो हमारे बात थाई जब से कि आ टिकट है अन्य टिकट थे कि 1 रुपया बीजू को नहीं आलेगा, पहले टिकट कपावो हायस अटलाम ले जाए ठीक है, नहीं ले जाए तरत पास उतरो, एक दाड़ो लेट जंगा गेरिस थाएगा के और बे दाड़ा इन बस उभी रहेगी तेरे नानी माँ याद आवी जाए, पड़े एक तारा की पड़े है वो नहीं मार तो बोला गेरवाई आदे जल्दी जुम करता नहीं हो एक तार टूट जाएगा, सोरो रोए है गैर जल्दी जुम कहीं जाता हुए दबड़ा बोली है तुम्हार एक तार आखो। यूनियन बनाएंगे ये काम भी करेंगे और जब भी त्योहार आएगा हम ट्रेन के अतिरिक्त डिब्बे लगाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ लास्ट अंतिम वक्तव्य देना चाहूंगा कि ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी को लेके है और देश के अंदर गरीब वर्ग मजदूर वर्ग ही क्रांति करता है, युवा ही क्रांति करता है, जितने मेरे पढ़े लिखे भाई या मजदूरी कर रहे हैं, हम आरक्षण की लड़ाई लड़ने का हम काम कर रहे हैं और वही कमल कांग्रेस के नेताओं ने आरक्षण बेचा था जिसकी वजह से आपको यह मजदूरी करना पड़ रहा है, उनको सबक सिखाना है कि आने वाले समय में तुमको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और ये कार्रवाई पूरे देश के अंदर चलने वाला है। ये कारवा राजस्थान मात्र में नहीं, भाई गुजरात वाला कहता था तभी चिंता नहीं करो, बहुत जल्दी राजस्थान से वायर गुजरात बॉर्डर में फैलानो है और गुजरात बॉर्डर में थे कि भी भुतोड़ दकड़वाना जोरदार और कमल कांग्रेस की बाढ़ उतारने कई लड़ा विचार करता हुआ यहाँ हूँ बोले है अपीली भाषा बोले है खबर पड़े कि नहीं नहीं पड़े कई लड़ा ऊपर ऊपर जातु रहेगा आईबीसी वाला आता है विचार करता हुआ कही है कि जो गुजराती नहीं है ना आ तो हिंदी है नहीं इंग्लिश नहीं कही है कि आपने सब भी एक स्थानीय लीव है, नशा मत तो बहुत कम करवो है, आने हमारे जो है बोलो कई गोल वालों ने हाटा वालों ने हजेर पाई आना थे कि हमारा आदमी मरी रह जाए, आपने नहीं करव है जरूरत पड़े तो आपने कड़ी सानू सानू एक आदमी मूड लिया पा 5 किलो आने कुकर में मिली ने पेलो पानी काढ़ी ना पा ठीक है, लेकिन पहले गोल वाले वो काम करोने की ये पीके हमको खत्म नहीं होना है, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना है। और जो देश के अंदर से स्थिति बन रही थी कमल कांग्रेस डूंगरपुर में कहता था कांग्रेस थी बीजेपी एक थाई की बांसवाड़ा में थाई थी तो बांसवाड़ा वाला जब 1500 लोकसभा चुनाव ही और बाकी जो राम उपचुनाव थवा नहीं अपनी लड़ाई अब वाले अपने देश में मालिक है पासो मालिक बढ़वो है, अपनी लड़ाई हेडपंपनी लड़ाई नहीं है, फोन उठापानी लड़ाई नहीं है, अपनी लड़ाई इंदिरावास बाथरूम नहीं है, अपनी लड़ाई देश के मालिक पड़वानी लड़ाई है। हमारे लोग हूँ कि तू इंदिरावास बाथरूम में अमन घुसवा भी रखा उधर इंदिरावास बाथरूम में लालसाली मिल दी है अरे तभी सभी मजबूती थी गिरे हुए जी भाई नहीं आप चाहे खूब खूब धन्यवाद अलवा चाहूंगा कई भाई ना